Aslında bilmem ben ki gramana uçan tutra etmem lokere. Onu lokale ikeri çeker. Lokere sabra ikeri. Ati mesela kerte. Tam. ये है जी मिस्टर सिद्दीक साहब। हाँ सिद्दीक साहब, कहाँ जा रहे हो आप? घर जा रहे हो? बूम बूम तैयार है आपके? अच्छा चलो जी, छुप क्यों रहे हो? शर्मा रहा। अच्छा शर्मा रहा है। और आप भी जा रहे हो हैं? घर जा रहे हो? चलो मैं तो कहता हूँ अभी नहीं जाओ तुम हैं। और यहाँ पर बैठे हुए हैं जी मिस्टर मुहैयद्दीन साहब। हाँ जी, हाँ इजाजत दें और हम भी माशाल्लाह जा रहे हैं। अच्छा तो खाया पिया माफ कीजिएगा। कोई मसला नहीं, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। आप ये तो जहमत वाली बात कर रहे हैं। खाने पीने तो नहीं खाने पीने के तो नहीं रहते ना? कोई बात नहीं, वो तो रिज़्क अल्लाह पाक देता है। बिल्कुल। तो जितने दिन हमने यहाँ पर गुजारे हैं, ठंडा माहौल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त किस्म का इंजॉयमेंट भी हुई है हमारी। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया खिदमत का, और कभी खिदमत का मौका देंगे तो इंशाल्लाह जरूर हम खिदमत करेंगे आप। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर। ठीक है, फिलहाल इजाज़त हो गई। ठीक है जी, खैर से पहुँचे और अपना अल्लाह पाक से दुआ है कि सफ़र बखैर हो। आमीन आमीन इंशाल्लाह। और इनकी माशाल्लाह से बूम बूम रेडी हो चुकी है बकौल सिद्दीक साहब के। ये इनकी जो है ना, क्योंकि सिद्दीक साहब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेरे थलोज है। मैंने पूछा, मैंने कहा यार मेरे जो है ना चकोर बहुत खूबसूरत है। कहते नहीं, मेरे थलोज खूबसूरत है। सारा दिन उनके साथ खेलता है ना। सिद्दीक सिद्दीक, क्या क्या लिया हुआ है, क्या लेके आए हो? पैसा लेके आए। पैसे मुझे दिया है कि स्टोर करो। अच्छा हाँ, रास्ते में खाएगा। सच है? क्या गिन सो है? क्या लोगे? कुछ नहीं, चीज लोगे। अच्छा हाँ सिद्दीक, वेरे पे हो? अच्छा चलो बाय बोल दो। बाय बोल दो, बाय बोल दो। चलो ठीक है। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो है कुछ मटेरियल, जैसे कि आपको पता है, पहले से बचा हुआ पड़ा हुआ था। सीमेंट भी पड़ा था, रेत भी पड़ी थी, कंक्रीट वगैरह भी मतलब पड़ा हुआ है। मटेरियल कुछ टाइम गुजरने के साथ साथ ज़ाय भी हो रहा है और ख़राब भी हो रहा है। लेकिन रमज़ान में रोज़े वगैरह थे तो हमने काम, और कुछ फुर्सत भी नहीं थी, और दूसरा ये भी मेरी तबीयत के हवाले से भी वो काम बंद करना पड़ा है मुझे। तो बहरहाल अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारे लिए भी कोई बेहतरी के फैसले फरमाए और सेहत और तंदरुस्ती वाले फैसले फरमाए। तो हमने जो है ना, अभी ईद तो गुज़र चुकी है, तो ये फैसला किया कि जो बकाया मटेरियल है उसको लगा दिया जाए ताकि पड़ा पड़ा ख़राब ना हो। तो खुदाई का काम तो जारी है, लेकिन इसी तरह ये देख सकते हैं कि हमारा जो नीचे हम जो कंक्रीट या रोड़ा बिछाते हैं ना, उसको ये ठोकने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए ये हमने हैमर बनाया था जो कि टूट गया है। तो इसको अभी चलते हैं वेल्डिंग करवा के आते हैं। और हमारे नौजवान जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से खुदाई का काम जो है ना वो कर रहे हैं। कशन थे फोन कर।
अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, आज जो है ना हमारे दोस्त मिस्टर जब्बार साहब ने दावत दी हुई है ईद की खुशी में। हाँ, क्योंकि रमजान गुजर गया है तो ईद के बाद दावत तो बनती है। खैर जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। प्यारे दोस्तों, रमजान खत्म हो गया है, दोस्त आजाद हो गए हैं और एंजॉय तो बनता ही है, खा पी रहे हैं, है ना मिस्टर जब्बार? अब ये चलते हैं दुकान की तरफ और कोई सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं शाम के खाने के लिए, कोई तैयारियां शुरू करते हैं। असर की नमाज हो चुकी है, शाम होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लेकर के आए हैं सब्जियां शाम के खाने के लिए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के आए हम लौकी, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज। ये एक वक्त की सब्जी 500 रुपए की आई है, देखें ये है सब्जी आज जो शाम को पकेगी इंशाल्लाह। वैसे अगर कायदे के मुताबिक देखा जाए तो इससे बेहतर था कि चिकन ले आते, लेकिन चिकन भी 800 रुपए किलो है तो क्या यार, गरीब आदमी ना तो अच्छा खाना खा सकता है ना ही सब्जियां। हमारा हैंड पंप जो है ना ये खराब हो गया है और ये खुल भी नहीं रहा, लगता तो मुझे है कि ये तोड़ना पड़ेगा। अगर तोड़ना पड़ा तो फिर मरीज मसला बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक मसले का हल नहीं निकल रहा है। खोलने की भी काफी कोशिश की जा रही है। Hello, face.